नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू और आप देख रहे हैं glips.in। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह रविवार को अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर देश भर से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बधाई और शुभकामनाएं संदेश मिल रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रमन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सबसे मेहनती और अनुभवी छत्तीसगढ़ के सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी जीवन की कामना भी की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी रमन सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रणी बनाने वाले प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं। बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेशवासियों को राज्य का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम सौगात में देंगे। वहीं पूरे प्रदेश में अलग अलग संगठनों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों द्वारा मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा राजधानी रायपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी के विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाया और अपने मुखिया का जन्मदिवस जन सद्भावना के रूप में मनाया, जहां भाजयुमो राजधानी रायपुर के जिलाध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से हम युवाओं को प्रेरणा मिलती है। इसी कड़ी में जिला गरियाबंद के नगर पंचायत फिंगेश्वर में अनोखे अंदाज में सीएम का जन्मदिन मनाया गया। जिला गरियाबंद नगर पंचायत फिंगेश्वर के महिला मोर्चा के महिलाओं ने शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्याशाला में स्कूली बच्चों के साथ मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर एक अनूठा अंदाज देखने को मिला। पहले से ही स्कूली छात्राओं ने बड़ी संख्या में अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए प्रदेश के मुखिया की जीवनी पर चित्र बनाकर जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही छात्रों की प्रतिभा को देख उपस्थित महिला मोर्चा की महिलाओं ने छात्राओं का सम्मान किया। रमन सिंह का आज बर्थडे है, उसका बर्थडे सभी हम लोग मनाने जा रहे हैं। किस तरह मनाया? बहुत अच्छे से मनाया गया और ड्राइंग चित्र वो सब बनाए गए, उसके फोटो वोटो सब। और मैं उसके बारे में और कुछ बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर रमन सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1952 को ग्रामीण नामक गांव में हुआ था और उनका गाँव राजनांदगांव कवर्धा जिला में हुआ था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री श्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह का ड्राइंग बनाकर जन्मदिन मनाए हैं और हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हम लोगों को नवी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को साइकिल दे रहे हैं और जिनके घर शौचालय नहीं है उनको फ्री पैसे दे रहे हैं शौचालय बनाने के लिए, और जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं उनको बोनस दे रहे हैं, और जो औरत तोड़ती है ना उनको साड़ियाँ दे रहे हैं और चप्पल भी बांट रहे हैं। धन्यवाद श्री डॉक्टर रमन सिंह जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे अच्छे अनेक काम किए हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा 9वीं कक्षा की दीदियों को साइकिल भी प्रदान किए हैं, मध्याह्न भोजन तथा अनेक कार्य जैसे किए हैं। आज हम कन्याशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। हमारे बच्चों स्कूली बच्चों द्वारा ड्राइंग बनवाया गया, बर्थडे विशेष किए, चॉकलेट बांटे, ड्रेस वितरण किए और हर्षोल्लास के साथ ऐसे हम लोग हर साल मनाते रहेंगे। हमारे डॉक्टर मुख्यमंत्री जी को हम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ में 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी बधाई देते हैं। और हैं बहुत सारी योजनाएं, खाद्यान्न योजना, बेटी बचाओ योजना, साइकिल वितरण योजना और स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना, उज्ज्वला योजना और अन्य बहुत सारी योजनाएं जनता के लागू की है जो जनता के हित के लिए है। इससे जनता बहुत खुश है। वहीं इस मौके पर जिला गरियाबंद के भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्त और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा
प्रत्येक मंडल पे रक्त परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिवस के इस अवसर पर देश छत्तीसगढ़ राज्य में खुशहाली आए, लोग स्वस्थ रहे, इस भाव के साथ स्वास्थ्य परीक्षण और रक्त परीक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, हमारे सीएम साहब माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्मदिवस है, उसके उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी की सोच स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को लेकर युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक आह्वान प्रदेश के नेतृत्व द्वारा मिला है, जिसको लेकर हम लोग सब आज सभी युवाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। आज रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन रखा गया है और हमारे युवा कार्यकर्ता लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। For more information, log on to www.glibs.in.